أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنت الله على قوم الظالمين. आज जो है हम इस्लाम में अदल की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। ये जो है मैं जिस किताब से इस्तेफादा करते हुए ये इस पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये उस्ताद शहीद मुर्तजा मुतहरी की किताब है, जिसका अनुवाद है सुखन। इस सुखन किताब के सफा 350 में जो गुफ्तगू की है जनाब मुतहरी साहब, उसी पे अपन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। यानी इस्लाम में अदल की अहमियत क्या है, अभी इसके बारे में है। अदल इस्लामी से मुसलमानों के इनहराफ के असल सबब क्या है। यानी ये दो बातें, यानी पहले तो इसकी अहमियत क्या है और मुसलमानों में जो तो उसका जो इनहराफ होगा अदल से, यानी अल्लाह की अदालत। हमारे पास शियों में उसूल दीन पांच हम कहते हैं, तौहीद, अदल। अदल हमारे उसूल दीन का एक वाजिब हिस्सा है। क्यों इसको हमने उसूल दीन में लिया कि उम्मत ने अदल को अपने उसूलों में से निकाल दिया, इसलिए हमने इसको अपने उसूल में रखा है। अब यहाँ ये इनहराफ क्यों हुआ, उसके सबब क्या है, इस पे जनाब मुतहरी साहब गुफ्तगू करते हैं। बाद अखबार ये सवाल उठता है कि जब इस्लाम में अदल की इस कदर ताकीद की गई तो फिर इस पर अमल क्यों नहीं हुआ। यानी क्या है कि भाई हर जगह अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह जरा बराबर जुल्म करता, अल्लाह जरा और हर जगह इंसाफ की बात की गई है। रसूल को कहा कि भाई इंसाफ के साथ तुम जो है तो कोई भी हुक्म दो, हर जगह। फिर ये होने के बावजूद भी इस कदर ताकीद की तो फिर इस पर अमल क्यों नहीं है, और क्यों थोड़ी ही मुद्दत में इस्लामी माशरे में बेइंसाफी फैल गई चंद सालों में। तो इस सवाल पर सबसे पहले जो बात जहन में आती है वो यह है कि सूरत हाल की जिम्मेदारी बाज खुरफा पर आयद होती है जिन्होंने इस उसूल पर सही तरीके से अमल नहीं किया, क्योंकि इस उसूल को नाफिज करने का काम दर्जे अव्वल में मुसलमान खुलफा और ज़ुअमा ही का था, मगर इनकी नीयत खराब थी और वो इस अजीम मनसब के अहल न थे, इसलिए ये लोग इस अहम उसूल के निफाज में रुकावट साबित हुए, क्योंकि वो खुद अदालत नहीं करते थे तो इसलिए वो लोग इस उसूल के अंदर जो तो इसके निफाज में जो है रुकावट हो गई। नतीजा ये हुआ कि इस्लामी माशरे में तरह तरह की बेइंसाफी और ऊंच नीच पैदा हो। ये जवाब दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ इस माने में कि जिनको इस उसूल पर अमल करना चाहिए था उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, बल्कि इसके बरखिलाफ अमल किया। उमावी और अब्बासी खुरफा की तारीख इस अमर की गवाह। अदल की क्या गलत तफसीर किए इन खुलफाओं के जमाने में उलमाओं के जरिए, लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। आज के लेक्चर में, आज जो गुफ्तगू की जिस लेक्चर में, हम एक और सबब पर गुफ्तगू करना चाहते हैं जिसका असर इस पहले सबब से अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं हुआ, और वो सबब यह है कि कुछ उलमाए इस्लाम ने अदल की गलत तशरीह की। खुलफा जिम्मेदार नहीं है, हुक्मरान जिम्मेदार नहीं है, उसमें उलमा का भी है। हाँ, अगरचे कुछ और उलमा इस्लाम ने इनका मुकाबला किया, कुछ मुकाबला भी किया इनके, हाँ, और इनके ख्याल की तरदीद की, लेकिन इससे काम नहीं बना और कामयाबी पहले ही गुरु को भी, हाँ, जो गलत तशरीह कर रहे थे उस गुरु को हो गई। बात का जो उलमा थे जिन्होंने मुखालफत करी उनको कुछ कामयाबी नहीं। एक अच्छे कानून की सबसे पहले ताबीर और तशरीह होनी चाहिए, इसके बाद इसकी सही तरीके से नाफिज करने का मरहला आता है। अगर किसी कानून की सही तशरीह ही ना हो
तो अगर जिम्मेदार लोग इसे नाफिज भी करना चाहें तो कोई फायदा बरामद नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसको इसी सूरत में नाफिज करेंगे जिस तरह उसकी तशरीह हुई। और अगर इनका सही तरीके से नाफिज करने का इरादा भी न हो तो फिर तो इनके लिए इससे बेहतर और कोई सूरत ही हो ही नहीं सकती। जब कानून के शाहराह कानून की ऐसी गलत तशरीह करते हैं जो बदनीयती से कानून नाफिज करने वालों की ख्वाहिश के मुताबिक हो, तो वो अमलन और नतीजे के लिहाज से बदनीयत काम किए कि न सिर्फ जबरदस्त खिदमात अंजाम देते हैं बल्कि इन्हें अवाम की मुखालिफत और तनखीद से महफूज रखकर बड़े दर्द सर और जहमत से बचा लेते हैं। यानी जब तशरीह जो कर रहे उलमाई तशरीह गलत कर रहे तो उसका क्या फायदा हो रहा है हुक्मरानों को कि उन्हें जो एक प्रोटेस्ट या अवाम की मुखालिफत है उससे उनको बचा लेते हैं हुक्मरानों को। अब खा इन शारीन का इरादा शुरू ही से लोगों को धोखा देने और कानून को गलत तशरीह करने का हो या वो महज कम समझी और गलत फहमी की बिना पर ऐसा करें, नतीजा एक ही होगा, या कम इल्मी की वजह से करें या जो है तो खुद जो है तो उनकी जो है तो तशरीह करने में जो है धोखा देने का जो इरादा हो ये भी हो, दोनों सूरतों में ये क्या बात है, इसमें जो है नुकसान ही होगा, नतीजा एक ही होगा, ना समझी से करो। अदल की तशरीह में भी यही सूरत हुई, जिन लोगों ने इस्लाम के इस उसूल का इनकार किया यानी इसका इनकार इन में से अक्सर की और शायद सब की जैसा कि मैं वजाहत करूंगा नियत बुरी नहीं थी। मुसलमानों को रोजे बद इसलिए देखना पड़ा कि इन शारहीन की फिक्र सतही थी, इनका ख्याल था कि अहकाम इलाही पर किसी गौर व फिक्र की जरूरत नहीं, यही बात इस्लाम के लिए मुसीबत बनी। सतही फिक्र के लोग थे तो वो सतही फिक्र वालों की वजह से क्या हो गया, एक ऐसा गलत तशरीह हो गई अदल की कि उसका इस्लाम के लिए जो तो हमेशा के लिए मुसीबत बनी उनकी भी। एक दूसरी मुसीबत इस हुक्म पर अमल दरामद के बारे में नीयत की खराबी थी, जिसकी वजह से वजह यह थी कि खिलाफत की गाड़ी शुरू ही से अपने रास्ते से हट गई थी, खिलाफत की गाड़ी पहले से ही हट गई थी, अरबों को गैर अरबों पर, कुरैश को गैर कुरैश पर तरजीह दी जा रही थी, कुछ लोगों को आजादाना अम्वाल और हुकूक पर दस्त दराजी की इजाजत थी और दूसरे कुछ लोगों को बिल्कुल महरूम रखा गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे खिलाफत का बेशतर वक्त इस कजरवी का मुकाबला करने में गुजारा और यही चीज इनकी शहादत पर जो हुई। माविया और दूसरे खुलफा के दौरे खिलाफत में इस कजरवी ने और भी शिद्दत इख्तियार कर ली। अब आगे देखिए क्या हुआ। सितम बाला सितम यह हुआ कि सतही नजर रखने वाले जामिद उलमा ने ऐसे खुश ख्यालात को रिवायत दिया और ऐसी गलत तशरीह और तौजीह की जिसके असरात अभी तक बाकी हैं। इस झगड़े की जड़ इल्मे कलाम, यानी ये झगड़ा जो है तो इल्मे कलाम में हुआ। इल्मे कलाम क्या है ये अब समझ, ये समाजी उसूल इल्मे कलाम का मसला कैसे बन गया, इसकी तौजीह यह है कि इल्मे कलाम में पहली सदी के निस दुअम में वजूद में आया। इल्मे कलाम जो है तो पहली सदी के निस दुअम में वजूद में आया जब लोगों ने उसूल दीन और तौहीद व सिफात इलाही और तकलीफ व आखिरत से मुतालिक बहसें शुरू की। इन्हीं लोगों का नाम मुतकल्लमीन पड़ा। इन लोगों को मुतकल्लमीन इस क्यों कहा गया इसकी मौरखी ने मुख्तलिफ वजूह बयान किए। बाद ने कहा कि ये वजह यह थी कि अहम तरीन मसला जिस पर मुद्दतों बहस रही कुरान मजीद के हादिस या खदीम होने का मसला था। कुरान मजीद चूंकि कलाम है अल्लाह है इसलिए ये लोग मुतकल्लमीन कहलाए। कुछ का ख्याल है कि इन लोगों ने खुद ही अपने फन का नाम कलाम रखा। इस नाम का इंतखाब मंतिक के मुकाबले में किया गया जिसका इन दिनों ताजा ताजा रिवाज हुआ था। ये लोग मंतिक के हम माने कोई नाम चाहते थे, चूंकि मंतिक के माने निस्क यानी बोलना है इसलिए कलाम नाम मुंतखब किया गया जिसके माने बात है। बास कहते हैं कि चूंकि ये लोग बहस मुबासा बहुत करते थे इसलिए मुतकल्लमीन कहलाए। बहरहाल एक ऐसा गुरु पैदा होगा मुतकल्लमीन जैसे वो अदले इलाही। अब क्या हुआ मुतकल्लमीन अदले इलाही में क्या किए। एक मसला जो इल्म कलाम में जेर बहस आया वो अदले इलाही का सवाल था, आया अल्लाह ताला आदिल है या नहीं। इस मसले ने बड़ी अहमियत इख्तियार कर ली और इससे बहुत से जिमनी सवाल पैदा हो गए।
जी इनका सवाल माशरती इंसाफ तक पहुंच गया जो इस वक्त हमारा मौजू बहस है। यह मसला कलाम अल्लाह के हुदूस व खदम से भी ज्यादा अहम होगा। ये पहले एक मसला था उसके ऊपर लड़ाई हुई खत्म, ये उससे ज्यादा अहम। हालांकि हुदूस व खदम के मसले के सिलसिले में बड़े फितने बर्पा हुए थे और कितनी ही जानें तल्फ हुई थी। अदल इलाही के मसले पर मुतकल्लमीन दो ग्रोह में बढ़ गए, इसमें भी दो ग्रोह में बढ़ गए अदल इलाही। एक अदलिया दूसरे गैर अदलिया, यानी एक उसूल अदल का तरफदार हुआ दूसरा इसका मुनकिर। शिया मुतकल्लमीन आमतौर पर अदलिया यानी अदल इलाही के उसूल के कायल है, इसलिए जमाने कदीम से ये रिवाज है कि शिया कहते हैं कि उसूलुद्दीन पांच है, तौहीद अदल नबुवत इमामत और खयामत। यानी शिया नुक्ता निगाह से इस्लाम के पांच उसूल है। अदल इलाही से मुतालिक दो सवाल जहर बहस आए, एक तो ये कि क्या इस तमाम आलम की तखलीक जिसमें आसमान और जमीन जमादात नबातात हैवानात दुनिया और आखिरत सब शामिल है अदल इंसाफ के उसूल पर हुई है। तकवीनी निजाम में किसी मौजूद पर कोई जुल्म नहीं होता और यह आलम इंसाफ की बुनियाद पर कायम है। या सूरत यह है कि अल्लाह ताला अपने इरादे और मशियत में मुख्तार मुतलक है, कोई चीज के इरादे को महदूद नहीं कर सकती, वो फाल लमा यूरीड है, इसकी तखलीक किसी मियार और कायदे की पाबंद नहीं हो सकती। वो जो कुछ करे वही अदल है, ये नहीं कि वो सिर्फ वही करता है जो मुतकाज़ाए अदल हो, यानी वो जो कुछ करे वही अदल है। जो अदल हमारे जहन में वो अदल नहीं बल्कि उन्हें जो भी कुछ करे। इस सवाल के जवाब में क्या अल्लाह ताला रोज़े क़यामत मियार अदल के मुताबिक जजा दे और सजा देगा जैसा मियार अदल के मुताबिक, और किसी हिसाब और कायदे के मुताबिक एक को बहिश्त में और दूसरे को दोजख में भेजेगा, कायदे वगैरह के तहत भेजेगा? ये लोग कहते हैं कि ये बात नहीं। कौन? जो अदल इलाही के कायल नहीं। कोई कानून और कोई कायदा अल्लाह ताला के किसी फेल पर रोक नहीं लगा सकते, ये उनका है। लेकिन जो चाहे करे उस पर कोई अदालत अगर वो है, हैं? तो वो जरूरी नहीं उस पर जो है तो उस पर ला दी जाए अल्लाह पे, अल्लाह पे कोई चीज ऐसी अपन ला दें। तमाम आइन और कानून खुद इसके फेल और अमर के ताबे हैं, अदल व जुल्म इसके फेल के ताबे हैं। अगर वो मुती को जहन्नुम यानी जो इताअत करने वाला उसका मुती है उसको जहन्नुम में और आसी को जन्नत भेज दे, जब भी वो जो कुछ करे वो अदल है, यानी अदल की ये तारीफ इन लोगों ने करे अदल, क्योंकि अल्लाह का नाम जो अल-मुक़सितो है, ये है तो मुक़सितो अल्लाह का नाम है, आदिल है अल्लाह सब है। तो अब इन अदल उसका अदल कैसा बता दे रहे हैं कि वो क्योंकि वो मुख्तार है तो मुती को जहन्नुम और आसी को यानी गुनाहगार को जन्नत में दे दे, तो यही उसका अदल है। इसका इरादा और इसका फेल किसी मियार की ताबे और किसी कानून का पाबंद नहीं, सब कानून और सब मियार इसके इरादे के ताबे। इस सवाल का ताल्लुक तो इस बात से था कि क्या अदल के उसूल का इतलाक तखलीक कायनात और निजाम आलम पर भी होता है या नहीं, और क्या निजाम आलम मियार अदल पर कायम है या नहीं। दूसरे सवाल का ताल्लुक शरीयत के निजाम और दीनी तालीमात से है। सवाल यह है कि अहकाम इलाही जो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुत से नाजिल हुए और जिनको शरीयत और इस्लामी कानून कहा जाता है, इनकी क्या सूरत है? आया शरीयत का निजाम मियार अदल के ताबे है या नहीं? क्या ये निजाम मबनी बर इंसाफ है या नहीं? हर हुक्म में वाकई कोई मसलियत पोशीदा है या ऐसा नहीं है? ये सवाल है। जब हम इस्लाम के कवानीन शरीयत पर नजर दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कुछ चीजें हलाल और जायज, कुछ वाजिब हैं, हैं? और इसके बरखिलाफ कुछ चीजें हराम और ममनू हैं। राजबाजी और दयानतदारी का हुक्म दिया गया है, झूठ खयानत और जुल्म से मना किया गया है। इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त तो सूरत यही है, जिस काम का हुक्म दिया गया है वो अच्छा है और जिसका काम से मना किया गया है वो बुरा है। लेकिन क्या जो काम अच्छा है वो हमेशा ही से अच्छा था और जो बुरा है वो हमेशा ही से बुरा था और इसीलिए इस्लाम ने इसका हुक्म दिया है और इससे मना किया है, या चूंकि इस्लाम ने एक हुक्म दिया इसलिए वो अच्छा होगा और दूसरे से मना किया इसलिए वो बुरा होगा? अगर इस्लाम ने झूठ खयानत और जुल्म का हुक्म दिया होता तो ये काम ऐसे अच्छे हो जाते? और अगर राजबाजी और दयानतदारी और इंसाफ से मना किया होता तो ये काम बुरे हो जाते? यानी इसका रिवर्स होता, झूठ को जो है तो अच्छा कह देती शरीयत और जो है सच को बुरा कह देती, या खयानत और ये सब चीजों को अगर उलट हो जाता तो क्या वो काम अच्छे हो जाते जो बुरे काम है अच्छे हो जाते शरीयत?
ऐसा सारे इस्लाम ने हिदायत की कि बे हलाले और सूद हराम। हाँ? आपने बोले कि भाई जो रहन रखते हैं वो चीज वो ऐसा वो हलाल है, सूद हराम, इसमें शक नहीं किया। अब बे अच्छी है और सूद बुरी चीज, लेकिन क्या बे बिज़ात अच्छी है और इंसानियत के लिए मुफीद है इसलिए इस्लाम ने इसको जायज करार दिया, और क्या सूद बिज़ात बुरी और चीज है और इंसानी माशरे के लिए जरूरत है इसलिए इस्लाम ने इसको हराम करार दिया, और कहा है कि जो लोग सूद खाते हैं वो नहीं खड़े होंगे कयामत में, मगर जिस तरह खड़ा होता है वो शख्स जिसको शैतान खपती बना दे लपट कर। या इसके बरक्स ये सूरत हो कि बे को चूंकि इस्लाम ने जायज करार दिया है इसलिए वो अच्छी हो गई, और सूद चूंकि हराम किया इसलिए बुरा हो गया, ऐसा नहीं है। हुस वो खिबा ए अखली, यहाँ पे क्या है, इस्लाम में उलमा के ये दो गुरु पैदा हो गए, एक गुरु हुस्न खिबा खिबा अखली का तरफदार था और कहता कि शारे का हुक्म खुद अशिया के नेक और बद अच्छे बुरे होने पर मबनी और मौकूफ है, और दूसरा अखली हुस्न खबा का मुनकिर था। इसका कहना था किसी चीज का अच्छा या बुरा होना मैं शारे के हुक्म के ताबे है, इसमें अकल का दखल है, यानी अल्लाह ने जो जिस चीज को बुरा बोला वो बुरी है या नहीं है वो नहीं, वो हालांकि अल्लाह ने उन्हीं चीजों को बोला वो वाकई बुरी थी इसलिए बुरा कहा। ये क्या करें कि अल्लाह ने बुरा कहा इसलिए बुरी है, वरना वो उसके बारे में हम नहीं बोल सकते क्या। तो अदल वो जुल्म जिसका ताल्लुक लोगों के हुकूक से है और जो एक माशरती मौजू है, इसके बारे में भी यही सूरत पेश आई। अदलिये के नजरिए के मुताबिक हक और हकदार का वजूद एक हकीकत है, हक और हकदार का वजूद एक हकीकत है। इस्लाम के अहकाम नाजिल होने से पहले भी हक और हकदार मौजूद थे, पहले भी जो थे हक और हकदार मौजूद थे, और ऐसा होता था कि किसी हकदार को इसका हक मिल जाता था, कोई हकदार अपने हक से महरूम रह जाता था। जब इस्लाम आया तो इसने अपने अहकाम इस तरह वादा किए कि हकदार को इसका करार वाकई हक जरूर मिले। इस्लाम के तमाम अहकाम हक और इंसाफ के मुताबिक है, हक और इंसाफ दोनों खारजी हकीकतें हैं जिनका नफ्सुल अम्र में वजूद है। इंसाफ का मतलब यह है कि हर हकदार को इसका हक मिल जाए, अगर इस्लाम के अहकाम ना भी होते जब भी यह हकीकत बदल नहीं सकती थी। दूसरे गिरोह के ख्याल के मुताबिक हक और किसी के हकदार होने या ना होने और इसी तरह अदल और जुल्म का बिज़ात कोई हकीकी वजूद नहीं, इनका वजूद इस पर मौकूफ है शायर इस्लाम ने क्या कानून बनाया। ये बाकी वो हक और हकदार वगैरह ये बातें इनके पास नहीं, ये शराब में है बोल के हम बोल रहे कि भाई हकदार को हक मिलना चाहिए, ये इनका वो। और पहला गुरु ये कहता है कि नहीं, जो अदालत के ख्याल है कि भाई ये अगर इस्लाम में नहीं होता तो भी मन वाकई ये है कि हक को हकदार कोई भी हो, इस्लाम ने उसको बाबा जो है एक कानून के तौर से पेश कर दिया। इस ग्रोह के नजदीक जिस तरह तकवीनी निजाम अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला और मशीयत मुतलका से पैदा किया इसलिए वो किसी कायदे या कानून के ताबे नहीं हो सकता। इसी तरह तशरीही निजाम भी जैसा जो कुदरत कामिला ने जो बनाया है मशीयत मुतलका से पैदा किया है इसलिए वो किसी कानून, यानी जैसा ये सारा जो कायनात का निजाम अल्लाह ताला ने अपने कुदरत कामिला से, अल्लाह ताला ने जैसा जिस तरह तकवीनी निजाम जो पूरा सिस्टम चल रहा है वो अल्लाह ने अपनी पूरी कुदरत से किया, तो इसी तरह तशरीही निजाम भी इस वजह से अल्लाह ताला के बनाया हुआ है, किसी कानून के ताबे और किसी उसूल का पाबंद नहीं। इस्लाम जो कानून भी वजह करे वो हक है, यानी इस पर इस्लाम की मोहर लग जाने के बाद वो हक बन जाता है। इस्लाम जो भी फैसला करे वही इंसाफ है। अगर इस्लाम का हुक्म ये होता कि सब लोग चाहे कितनी ही जहमत करके और तकलीफ उठाकर रोजी पैदा करें लेकिन इनमें इनका अपना कोई हक नहीं है बल्कि किसी और का है जिसने कोई जहमत बर्दाश्त नहीं किया और ना कोई तकलीफ उठाई, तो इसी तरह होता इनका कोई हक ना होता बल्कि इस गैर शख्स का होता। इस तरीके से ये लोगों की जो है तो तशरीह ही हुई है। इसके बारे में हुस्न व खबा की बहस का अमली और माशरती असर, इसके बारे में क्या हुआ फिर, मुमकिन है ये कहा जाए कि आखिर इस बहस का अमली नतीजा क्या है। इस बात पर तो दोनों फरीक मुत्तफिक हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इस्लामी है काम हक और इंसाफ पर मबनी। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि फरीक का अकीदा यह है कि अच्छे बुरे सही गलत हक और ना हक का वजूद पहले से था, शारा ने इन्हीं के मुताबिक बाद में अहकाम जारी किया। दूसरा फरीक ये कहता है कि इब्तिदा से ऐसा नहीं था, दीनी अहकाम आने के बाद ये सूरत
पैदा हुई। एक फरीक यह कहता है उसनु खबा हक ना अदल जुल्म दीनी अहकाम का मियार है, दूसरे फरीक के ख्याल में खुद दीन हुस्न खबा और अदल जुल्म का मियार है। अब चाहे ख्वाजा अली कहो या अली ख्वाजा, बात एक ही है। दोनों फरीक के उलमा ने फिका और उसूल फिका के मसाइल पर गुफ्तगु किए, अहकाम इस्लामी की मसलहतों पर बहस किए और एक मसलहत को दूसरी मसलहत पर तरजीह दिए। जवाब में अर्ज करूंगा मामला इतना सादा और आसान नहीं। हुस्न और खबा की बहस अमली असर बहुत गहरा और दूररस है। मसला यह है कि अहकाम इस्लामी के इस्तेमाल में अक्ल सलीम को दखल है या नहीं। अगर हम पहले नजरिए को तस्लीम कर लें और ये मान लें कि हक़ इंसाफ और हुस्न खबा फिर वाकई मौजूद थे और शायर इस्लाम ने इसी हकीकत को पेश नजर रखकर अहकाम वजा की, तो हम मजबूर होंगे कि जहाँ कहीं हमें सराहत के साथ ये मालूम हो सके कि अक्ल और इल्म के मुताबिक हक़ और इंसाफ का मुक्तज़ा क्या है, अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है, वहाँ रुक कर अकल की रहनुमाई को तस्लीम कर लेंगे और जो बात करीने अकल हो इसको मान लें। अदलिया यानी अदल के कायल उलमा ने एक कायदा वो बयान किया जो अकल का हुक्म है वह शरीयत का हुक्म। इस कायदे को यूं भी बयान किया गया यानी अकल जिन बातों को जरूरी करार देती है शरीय वाजिबात इन्हीं की एक खुशगवार सूरत है। यह मानते हैं कि बात सूरतों में कोई नकली वो दलील बज़ाहिर अकल के खिलाफ भी हो सकती है, लेकिन हम इस्लामी अहकाम की रूह और मकसद के कायल हैं। हमें यकीन है कि इस्लाम अपने मकसद में कभी इनहराफ नहीं करता। हम इस मकसद के लिए साथ चलते हैं, हम किसी मामले में इसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर नहीं जाते। मसलन हमें मालूम है कि सूद हराम है और बिलावजह हराम नहीं। हम जानते हैं कि सूद चाहे कोई शक्ल में अख्तियार करे इसकी हुरमत अला बाकी रही। सूद की हकीकत हर सूरत में सूद ही है, जुल्म की माहियत जुल्म ही है, चोरी चोरी ही रहती है। गदागरी का मतलब हर हाल में माशर पर बोझ होता है, चाहे सूद जुल्म चोरी गदाई अपनी आम शक्ल सूरत में हो और चाहे भेद बदल कर हक इंसाफ का रूप धार ले, इससे हकीकत नहीं बदलती, लिहाजा हुक्म भी नहीं बदल सकता। लेकिन दूसरे नजरिए के मुताबिक अकल कोई रहनुमाई नहीं कर सकती। इस्लामी कानून की कोई ऐसी रूह नहीं जिसको हम बुनियाद करार दे सकें, इसलिए जो कुछ है मसाइल की शक्ल सूरत ही है और इस शक्ल सूरत के बदल जाने से हर चीज बदल जाती है। इस नजरिए के मुताबिक हर चंद हक व इंसाफ का नाम लिया जाता है और एक मसलहत को दूसरे मसलहत पर तरजीह दी जाती है, लेकिन इन चीज़ों का कोई हकीकी मफहूम नहीं। शक्ल सूरत ही को हक व इंसाफ और मसलहत वगैरह का नाम दिया गया। पहले नजरिए के मुताबिक हम हक़ इंसाफ और मसलहत को एक कमरे वाकई की हैसियत में देखते हैं, दूसरे नजरिए के मुताबिक मैं इस ख्याली मफरूजे के तौर पर। अय्याम जाहिलियत में लोगों को गुमराही का सबब यह था कि इनमें नेक और बद की तमीज बाकी नहीं रहती और हर बदी और बुराई को दीन के नाम पर कबूल कर लेते थे और इसको दीनी काम करार देते। कुरान करीम ने इस बात पर नुकतन चीनी की। कुरान कहता है कि ये बात समझ लो कि बुरे काम बजात खुद बुरे हैं। ये मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह ताला किसी कभी फेल की इजाजत दे। किसी चीज का कभी होना ही इसके लिए काफी है कि तुम ये समझ लो कि अल्लाह ने इसका हुक्म नहीं दिया। कुरान शरीफ में है, जब कोई बुरा काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने आबा अजदाद को ऐसा ही करते देखा और अल्लाह ने हमें इसी का हुक्म दिया। कह दो कि अल्लाह हरगिज बुरे कामों का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाते हो जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इंसाफ का हुक्म दिया है। सूरह अहराफ की 28वीं आयत है। यानी मुशरिकीन जब कोई बुरा काम करते तो इसको सही साबित करने के लिए दो दलीलें देते, एक तो ये कि हमारे आबा अजदाद का तरीका है, दूसरी ये कि खुदा का यही हुक्म है। इनसे कहते हैं खुदा हरगिज बुरी बातों का हुक्म नहीं देता। बुराई और भलाई खुद अपनी जगह एक हकीकत है और किसी हुक्म से बुराई अच्छाई में और अच्छाई बुराई में तब्दील नहीं हो सकती। अल्लाह अदल व इतेदाल और मियाना रवि का हुक्म देता है। इस मियार पर तुम खुद समझ सकते हो अल्लाह किस बात का हुक्म देता है और किससे मना करता है। यही वजह है कि उलमाए अदलिया कहते हैं शरई दलाइल चार हैं, कुरान सुन्नत इजमा यानी चंद खास शरायत के साथ उलमाए इस्लाम का इत्तेफाक और अक्ल। लेकिन गैर अदलिया के नजदीक यह बिल्कुल बेमानी बात है। अक्ल को उलाए शरिया में शुमार किया जाए और इस अहकाम शरी के इस्तेफसाद और इत्तेहाद की बुनियाद करार दिया है। इन ख्याल में असल चीज तो ताबूत महज है, बल्फाज दीगर अहकाम इलाही में अकल का कोई दखल नहीं। शर्मनाक इस्तेदलाल, और क्या शर्म, अगर कोई सुने तो हैरान रह जाए कि इस्लाम में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जो वाकई मुसलमान थे और खुद को दूसरों से बेहतर समझते थे, जो बड़े इबादत गुजार थे और जिनका दावा था कि 100% सुन्नत नबी की पैरवी करते।
इन्हीं लोगों ने जो तकवीनी और तशरीही उमूर दोनों में अदल इलाही का इनकार करते थे अपने दावे की सबूत में दलायल पेश करने शुरू कर दिए। तकलीफ में बदामे खुद बेइंसाफी साबित करने के लिए ऐसी मिसालें पेश की जो शर्मनाक है। उन्होंने बीमारियों तकालीफ की मिसाल दी, शैतान की तकलीफ को बतौर दलील पेश किया। ये कहा कि वह अगर वाकयात आलम मबनी पर इंसाफ होते तो अली इब्ने अबी तालिब कत्ल ना होते और ज़ियाद बिन अभी और हज्जाज बिन यूसुफ इनकी जगह न लेते। इसी तरह की और मिसालें थी जो उन्होंने तकवीनी निज़ाम के बारे में दी। निज़ाम शरीयत के बारे में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इस्लाम के क़वानीन किसी कायदे क़ानून के ताबा नहीं है और ना इनकी बुनियाद किसी काम के अच्छे या बुरे होने पर है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इस्लामी हुक्काम तनाखुस और तजाद है। शार इस्लाम ने अक्सर मुख्तलिफ सूरतों में एक ही हुक्म दिया और बाज़ मौक़ों पर एक ही तरह के मसाइल में मुख्तलिफ अहकाम दिए। दो चीज़ों जो एक दूसरे से मुकम्मल मुशाबहत रखते हैं इनके बारे में एक ही हुक्म होना चाहिए, हालांकि दो मुख्तलिफ हुक्म है। आखिर क्या वजह है कि इस्लाम में औरत और मर्द के मामले में फ़र्क है? मर्द के लिए चार बीवियां जायज़ हैं लेकिन औरतों के लिए कोई एक से ज्यादा शोहर की इजाजत नहीं। चोर के बारे में हुक्म है कि चोरी का आला यानी इसका हाथ काट दिया, लेकिन झूठे के बारे में ये नहीं कहा गया कि इसकी जबान जो जुर्म का आला है काट दी जाए। यही सूरत जानी वगैरह की है। कितनी शर्म की बात है कि कोई तारीख में ये पढ़े कि कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए थे जो कहते तो ये थे कि हम कुरान का इत्तबा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुरान ने तकवीनी और तशरी निज़ाम के बारे में अदल इलाही का तस्करा किया। ये लोग तख्लीकी निज़ाम और इस्लामी अहकाम के गैर दानिशमंदाना और गैर मुनसरफाना की बातें करते थे। मुनकरीन अदल की कामयाबी। अब ये जो अदल के मुनकरीन थे वो कामयाब हुए और कैसे कामयाब हुए ये भी नहीं। इससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि एक सदी की कश्मकश और ज़बरदस्त मुबाहसों और मनाजिरों फितनों और खूनरेजियों के बाद बिलाखिर इन्हीं को गलबा हासिल हो गया जो अदल के मुनकिर थे। इस वक्त की सियासत ने इनको आगे बढ़ा दिया। ये काम मुतवक्किल अब्बासी के हाथों अंजाम पाया। मुतवक्किल ने गैर अदलिया की हिमायत की, या तो इसलिए कि इसका नजरिया इसकी सियासत से मेल खाता था या शायद इस वजह से वो असल बात को समझने से काजिर था। मुरवजुल ज़हब में मसूदी लिखता है, जब खिलाफत मुतवक्किल को मिली तो इसने हुक्म जारी किया कि अखली उमूर में बहस मुबाहसा और निज़ा बंद कर दिया जाए और दीनी मसाइल में तस्लीम और तख्लीक की राह इख्तियार किया। इसने शयूख अहल हदीस को हुक्म दिया जो अदल के उसूल के मुनकिर थे कि वह हदीस बयान करें, अहले सुन्नत वल जमात के तरीके की इशाअत करें। मुतवक्किल ने फलसफे पर भी जो कुछ मुद्दत रिवाज पा रहा था अखली बहस होने के जुर्म में पाबंदी लगा दी। ये बात भी अब लफ्ज सुन्नी कब से शुरू हुआ ये भी एक बात बताए। ये बात भी काबिल जिक्र है, लफ्ज सुन्नी जो अब इस्तेलाहन शिया के मुकाबले में इस्तेमाल होता पहले इस माने में इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि इसका इतलाक इन लोगों पर होता था जो अदल के उसूल के मुनकिर थे। चूंकि उसूल अदल के कायल सिर्फ शिया और मुतजिला थे, मुतवक्किल के जमाने से मुतजिला आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए और अपना अलहदा तशख्स कायम न रख सके। इसलिए सिर्फ शिया मुतकल्लमीन ही रह गए जो अपने अकीदे पर कायम रहे। इसलिए बाद में तमाम गैर शिया मुसलमानों को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाने लगा। ये नुक्ता भी याद रखने के काबिल है कि ऐसा नहीं कि बाद में आने वाले तमाम अहले सुन्नत उलमा ने आशारी मसलक ही इख्तियार किया, यानी ये जो अदल के इनकार करने। बहुत से उलमा अहले सुन्नत भी उसूल अदल के कायल थे, मसलन ज़मख़शरी जो अकाबिर उलमा अहले सुन्नत से हैं उसूल अदल का कायल और मुतज़िली था। इसी तरह और बहुत से उलमा आहिस्ता आहिस्ता ये इतिहादी बहसें ठंडी पड़ती गई और एक ग्रुप के अकायद दूसरे ग्रुप में सराहियत करते गए और ये मौका इनके तफसीली बयान करने का नहीं है किस तरह अदलिया के अकायद गैर अदलिया में और गैर अदलिया के अकायद अदलिया में सराहियत करके आखिर उन्होंने क्या शक्ल इख्तियार की और किस तरह ये मुसीबत आम होगी। अब इसके बाद ये जो अशारी जो है ये उसूल क्यों पॉपुलर हो गया, क्यों इसके बारे में थोड़ी सी बात की है उन्होंने। इस जमाने के अवाम गैर अदलिया फिक्र तर्ज फिक्र को पसंद करते थे, क्योंकि ये तर्ज फिक्र तस्लीम और रिजा और अहकाम की बेचून चरा तामील पर मबनी थी और आम नाश चूंकि गौर फिक्र से आरी होते हैं इसलिए वो कुदरती तौर पर गौर करने और अकल से काम लेने को खतरनाक समझते थे और घबराते थे। अगर हम ये कहें कि शरीयत के अहकाम अकल के ताबे नहीं तो इसमें अवाम नास के नुक्ते नज़र से एक तरह से दीन की अजमत और अहमियत उजागर होती है। इसलिए मुतवक्किल का ये फेल कि इसने आज़ादी फिक्र पर रोक लगा दी अवाम को पसंद आया और इसे दीन और सुन्नत नबी की हिमायत समझा गया। हालांकि मुतवक्किल एक जालिम और फासिक शख्स था, लेकिन इस पर भी वो अवाम में मकबूल हो गया, इसकी तारीफ में अशार कह गए, इसका शुक्रिया अदा किया गया।
क्योंकि आम के ख्याल के मुताबिक इसने दीन की हिमायत में काम किया है। अगरचे वो दीन दरअसल मुसलमानों की अखली जिंदगी के लिए मुसीबत उजमा फाजिया था, मगर लोगों ने जश्न मनाया और खुशी का इजहार किया। अब यहाँ पे जो है ये सब बातें बताने का मतलब यह है कि इसके पीछे पूरा जो बैकग्राउंड है कि अहले सुन्नत जो है ये अदालत को नहीं मानते, उसकी वजह वो उस जमाने के खुलाफा, उस जमाने के हुक्मरान और उस जमाने के उलमा जो इस चीज की कोशिश की कि हुक्मरान भी खुश रहे, अवाम भी खुश रहे, और उन्हें अक्ल को बिल्कुल अवाम में से खारिज करके जुल्म बर्बरियत इस्तेबदाद के खिलाफ कोई बगावत ना हो, इसलिए ये सब जो है किया। और आज अहले सुन्नत सब आशारी हैं, चाहे वो हनफी हो, मालिकी हो, शाफी हो, चारों मसलक वाले भी आज आशारी हैं, जिसमें अदालत नहीं है। यानी अल्लाह जालिम को जन्नत में भेज सकता है और मजलूम को जहन्नुम में, या एक जो है तो गुनाहगार को जन्नत और एक जो है तो इताअत गुजार को जहन्नुम में भेज सकता है। ये उनका जो है तो नजरिया कायम किया गया, जो एक खतरनाक नजरिया था, जिसकी वजह से पूरा स्टैग्नेशन जो है तो सोसाइटी में आ गया और हुक्मरान जो है तो अपने इस्तेबदाद और उसमें कायम रहे। आज कई हुकूमतें होते हुए भी मुसलमान गुलामों की जिंदगी उन्हीं अपनी इस्लामी हुकूमत में गुजार रहे हैं। एक मुख्तसर सा जो है तो अदल के बारे में मैं जनाब मुर्तजा मुतहरी साहब की किताब की पूरी गुफ्तगू आपको सुना है और ये बहुत तफसीली है। अब इतनी ही मुख्तसर गुफ्तगू में आप इसको दोबारा दोबारा सुनना पड़ेगा आपको, और ये जल्द मैंने रीडिंग की, आप इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दोबारा दोबारा सुनिए। आखिर दावना अलहमदिल्ला।